फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी बनी है हमारा ये साबूदाना बड़ा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबूदाना की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाना लिया है। अब हम इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। 2-3 बार धोने के बाद फिर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और आधा घंटा इसे भिगो के रखूंगी। आधा घंटा हो गया है, हमारा जो साबूदाना है वो बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे एक छन्नी के मदद से पूरा पानी हम छान लेंगे। पानी हमने छान लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर से पानी छिड़क देती हूँ ताकि ऊपर का जो साबूदाना है वो सूख ना जाए। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रखूंगी रात भर। एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए बड़े के लिए तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अदरक बारीक कटी हुई, थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और लिया है मैंने सिंग दाना जिसे हम पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे। पीनट्स को हमें एकदम फाइनली नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे और इसे फिर हमें अच्छे से मिला लेंगे। पीनट्स डालने से हमारा जो एक्स्ट्रा पानी या नमी वो खींच लेता है। तो ये देखिए इसे मैंने मिला लिया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 1.5 बॉइल्ड आलू लिया है। अगर आपका आलू थोड़ा सा छोटा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप साबूदाना के साथ में 2 छोटा आलू ले लें। ज़्यादा आलू ऐड करने से हमारा जो बड़ा है वो ऑयल ज़्यादा पी लेता है और क्रिस्पी भी नहीं बनते। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। तो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे। तो मैंने इसी तरह सारा बॉल्स बना लिया है। बड़ा बनाने से पहले आप हाथ को अच्छे से क्लीन कर ले और चाहे तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले ले या साइड में थोड़ा सा पानी ले ले। हाथ में थोड़ा सा चिपकता है और ऑयल लगाने से देखिए हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। फिर थोड़ा इस तरह से प्रेस करके इसको गोल सा बना लीजिए। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उंगली से इस तरह से सही कर दीजिए। बस हमारा साबूदाना बड़ा तैयार है। तो मैंने इस तरह से सारा बॉल्स बना लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से बना के आप उपवास में भी खा सकते हो। अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल दिया है और जैसे ही डाला देखिए ये ऊपर आ गया है और एकदम से गर्म हो गया है। और गैस को हमें इस समय हाई मीडियम फ्लेम में रखना है और इसे हाई टू लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हो सकता है शुरू में थोड़ा सा चिपक जाए लेकिन जैसे ये फ्राई होने लगेगा खुद ब खुद अलग होता जाएगा। या तो आप एक चम्मच के मदद से इसे अलग कर दे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और गैस को हमें लो टू हाई मीडियम के बीच में रख के हमें इसे पकाना है वरना हमारा जो बड़ा है ना वो अंदर कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी साबूदाना बड़ा तैयार हो गया है। बाकी बचे बड़े को भी हम सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे। और अगर आप इसे ठंडा ऑयल में डालेंगे तो ये जो हमारा बड़ा है वो ऑयल ज़्यादा पी लेगा और हमारा बड़ा बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा सेकेंड बैच का जो बड़ा है वो भी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स। आप इसे गर्मा गर्म ग्रीन चटनी या नारियल चटनी या दही के साथ में सर्व करिए। ये देखिए एकदम अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक गया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है।
अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।